मैंने आज तक जितने भी बार नेत्रहीन लोगों को देखा है, हमेशा सोचता हूँ कि नेत्रहीन लोगों के लिए ये दुनिया कैसी दिखती होगी। और शायद आप में से भी काफ़ी लोग ये सोचते होंगे, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके भी कई सारे प्रकार हैं। और ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग वस्तुओं को समझता है, ना कि आँखें। आंखें एक जरिया है दुनिया देखने का। तो चलिए जानते हैं कि नेत्रहीन लोग क्या देखते हैं। पहला प्रकार होता है ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, लोग जो जन्म से ही नेत्रहीन होते हैं। हमें हमेशा लगता है कि नेत्रहीन लोगों को हर चीज़ काली दिखती है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर इन्हें पता नहीं है कि काला रंग कैसा दिखता है। ऐसे सोचे कि अगर हम अपनी एक आंख बंद कर दें और एक ही आंख से देखें, तो बंद आंख से हमें कुछ नहीं दिखता। लगभग ऐसा ही महसूस होता है जो लोग नेत्रहीन ही पैदा होते हैं। दूसरा है वैन टोटली ब्लाइंड, जिन्होंने आंखों की रोशनी खो दी है। उन लोगों का अनुभव दूसरा होता है। किसी को लगता है कि वो गहरे काले कुएं में देख रहे हैं, जिसमें अगर गिर गए तो कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। किसी को कभी कुछ चिंगारी जैसा दिखता है, जिसे लगता है कि वो कोई वस्तु या रोशनी की किरण देख रहे हैं। इसको चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम बोलते हैं। तीसरा टाइप है लाइट परसेप्शन, इन लोगों को वस्तुएँ बराबर से पता नहीं चलता, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। चौथा होता है टनल विजन, इसमें एक इंसान को सामने रखी हुई चीज़ें जो कि एकदम सीधा है दिखती हैं, लेकिन वो अपने आजू बाजू की चीज़ों को नहीं देख सकता। पांचवा प्रकार है लीगली ब्लाइंड, इसमें इंसान बड़ी चीज़ें देख सकता है, लेकिन चीज़ें धुंधली दिखती हैं। इसमें कोई चीज़ देखने के लिए उसे बहुत नज़दीक या कोई चुनिंदा रंग का होना चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि नेत्रहीन लोग अपने सपने में क्या देखते हैं। हम सपने में अक्सर वही देखते हैं जो हम असल की ज़िंदगी में देखते हैं। ऐसे ही नेत्रहीन लोगों के भी सपने होते हैं। जो लोग ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ हैं, उन्हें सपने में कोई आवाज़, जानकारी, महक या फीलिंग्स की आती हैं। वस्तुओं का सपने में आना या ना आना डिपेंड करता है कि उसकी आंखों की रोशनी कैसे गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई इंसान पहले देख पाता था और अब नहीं देख पाता है, उस इंसान के सपने में अधिकतर उसके आंखें जब ठीक थी तब क्या आते हैं। लेकिन एक संभावना है कि जो टोटली ब्लाइंड है वो रोशनी या लाइट महसूस कर सकते हैं। इसका पता चला 1923 में, जब क्लाइड कीलर ने एक चूहे को देखा जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, वो भी लाइट को या रोशनी को महसूस कर पा रहा था। उस चूहे की आंखों में रेटिनल फोटो रिसेप्टर्स, जिसमें रॉड्स जो कम लाइट में काम करता है, और कोन्स जो वस्तुओं का कलर पहचानने का जिम्मेदार होता है, नहीं था। कई सालों बाद साइंटिस्ट ने जाना कि एक सेल है जिसे इंट्रिंजिकली फोटो सेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल्स या IPRGCS बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल है लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। इस सेल के कारण ही कोई टोटली ब्लाइंड इंसान भी लाइट को महसूस कर सकता है। सरल भाषा में, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, ये सब दिमाग का खेल है, जिसके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मानो या मत मानो, हम सभी नेत्रहीन हैं।